आपका ओटीपी नंबर आने के बाद आप जैसे ही उसको आगे रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का होम पेज आ जाएगा। अब इसमें आप जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, चाहे इसमें इश्यू ऑफ डुप्लीकेट आरसी, हाइपोथेकेशन एडिशन, चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी, हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप या हाइपोथेकेशन कंटिन्यूएशन, किसी भी प्रकार की यदि आपको जो भी सेवा आपको चाहिए वो आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हम इस केस में हम करेंगे एक चेंज ऑफ एड्रेस, हमने किया, सबमिट किया। अब उसमें आपके पास सारी डिटेल्स आ गई हैं, जिसमें ओनर नेम आ गया, फादर नेम, व्हीकल टाइप नॉन ट्रांसपोर्ट LMV, मोटर कार और किस मॉडल की बनी है, और चेसी नंबर, इंजन नंबर, हर आपके पास जो आपकी गाड़ी के पर्टिकुलर्स रजिस्टर्ड हैं वो उसमें आ गए। अब हम सामने देखते हैं ओनर डिटेल के बाद में सर्विस डिटेल आता है, फिर इंश्योरेंस डिटेल आता है, फिर अपॉइंटमेंट आता है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स आता है, फिर फीस के लिए आता है। यानी कि आपका प्रोसेस चाहे कोई भी हो, इसमें सीक्वेंस यही रहती है कि इसमें आपको जो भी सर्विसेज चाहिए होती है वो, और इंश्योरेंस और अपॉइंटमेंट और अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फी, यानी कि ये सारे प्रोसीजर, चाहे आप ट्रांसफ़र कराएं, चाहे आप उसमें चेंज ऑफ एड्रेस कराएं, चाहे हाइपोथेकेशन कराएं, तो जो भी डाटा आपको चाहिए कंप्यूटर आपसे डिमांड करेगा, आप फीड करेंगे और उसके बाद में ट्रांजेक्शन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे हम अब इसमें चेंज ऑफ एड्रेस के लिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आता है कि आपका कौन सी तारीख से आपने चेंज ऑफ एड्रेस किया। तो आप जो भी डेट, जिससे भी आप उसमें एड्रेस में रह रहे हैं, उस एड्रेस को डेट डालें, फिर उसके बाद में आपका नया जो करंट एड्रेस है वो आप फीड करें, फिर उसके बाद में वो आपसे विलेज, टाउन, पूरा एड्रेस पूछेगा। लैंडमार्क, पुलिस स्टेशन भी एडिशनल है जो कि आने वाले समय में आपको काम आएगा, वो पूछेगा। फिर उसमें आप डिस्ट्रिक्ट पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल्ली में भी अलग अलग दिल्ली को डिवाइड डिस्ट्रिक्ट्स में किया है, तो वो आप इसमें आके कर सकते हैं, और फिर सेम एज करंट रख के ही हम इसको आगे सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें आपका जो डिटेल आपके पहले से भरी हुई है वो डिटेल आपके उसमें आती है, और इसमें साथ में हर ट्रांजैक्शन में भारत सरकार के नियम अनुसार आपको लेटेस्ट वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल भी डालनी होगी, जो कि समय समय पर आपको अपडेट जिस ट्रांजैक्शन में भी जाएंगे वहाँ पर आपसे ये नए इंश्योरेंस की डिटेल मांगेगा, और उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें आप इसको आगे बढ़ेंगे तो कर सकते हैं। बाकी इसमें इंश्योरेंस कंपनियों का स्क्रोल है, जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसके बारे में आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे इस केस में फ्यूचर जनरल है तो हम इसको भी बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में ये इसका पॉलिसी नंबर पूछेगा, पॉलिसी नंबर आप उसमें फीड करेंगे, और फिर उसके बाद में आपको डेट, कौन सी डेट से शुरू हुई है, फिर उसके बाद में आप वैलिडिटी उसको एक साल का जैसे दिया है वो करके सबमिट कर सकते हैं। आपके सबमिट होने के बाद में आप अपॉइंटमेंट बुक करें, जिसमें कि आपको कौन सा दिन आपको ऑफिस में जाने के लिए सूटेबल है, आप उसमें डेट सेलेक्ट करें, डेट सेलेक्ट करने के बाद में आप उसके अंदर टाइमिंग अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, और जैसे इसमें 8:30 से 1 बजे तक का टाइम ले सकते हैं, तो हम इसमें बुक नाउ कर सकते हैं। अब ये आपकी जो अपॉइंटमेंट की डेट आईडी दे दिया है उसने अपॉइंटमेंट का, और अपॉइंटमेंट डेट दे दी गई है,
आपको ई रसीप्ट आपके सामने आ गई है कि आपने जो ट्रांजेक्शन की थी उसकी आपको जो अपॉइंटमेंट और फी की जो डिटेल है वो भी आपको इसके साथ में दे दी गई है। और इसको आगे आके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, जिसका कि इस्तेमाल ऑफिस में आने के लिए आपकी आइडेंटिफिकेशन का एक प्रूफ रहेगा और आपका काउंटर नंबर भी लिखा हुआ है और आप आके उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ में कि इन डॉक्यूमेंट्स को काउंटर 21 जिसमें दिया हुआ है यहाँ पर आकर जमा कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे कि आप इस पर्टिकुलर केस में हमारे को डॉक्यूमेंट्स जैसे इंश्योरेंस, जैसे नया एड्रेस प्रूफ और इनको अपलोड एडिशनली करना होगा, और यदि कोई और भी पर्टिकुलर ऐसा है जो चेंज करने का वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटाबेस पे आ जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट की अगर लिस्ट देखें तो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, न्यू एड्रेस प्रूफ और एनओसी का फाइनेंसर का जो लेटर, अगर आपको फाइनेंस है गाड़ी तो, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट मेनली ब्रॉडली हैं जिसको कि आप अपनी कंप्यूटर में अगर आपने सेव किया हुआ है तो चूज फाइल, जिस तरह से ईमेल में हम करते हैं उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को चूज करके और सबमिट करेंगे तो आपका इसमें डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। लेकिन इसमें एक मैक्सिमम साइज 199 KB पर पेज है, तो वो जनरली हर एक डॉक्यूमेंट्स इस की रेंज में इसमें आता है, वो आप एक्सेप्ट कर सकते, सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा और आप इसमें वो सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें आप लास्ट में जाते हैं फी रिसिप्ट। फी रिसिप्ट को आप जो हमारे फीस जो दे रखी हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में स्मार्ट कार्ड की फीस 200 रुपये है और चेंज ऑफ एड्रेस की फीस 300 रुपये है, पोस्टल फी इसमें 30 रुपये है जिसमें कि आपकी आरसी आपके घर आ जाएगी, टोटल 530 रुपये आपको देने हैं और ये वाले पेमेंट आप SBI के किसी भी पेमेंट गेटवे से आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे मोड ऑफ ई पेमेंट जो भी इस सॉफ्टवेयर में एक्सेप्टेबल हैं आप कर सकते हैं, यानी कि आपका सारा कार्य जो घर बैठे, जो ऑफिसों में हम जाते थे और लाइनों में लगे रहते थे, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे अपनी ट्रांजेक्शन पूरी करें और इस सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद।